स्वास्थ्य शिविर में 480 मरीजों का निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें परामर्श दिया गया। सहारा हॉस्पिटल के वरिष्ठ चिकित्सकों ने शिविर में पहुंचने वाले मरीजों के स्वास्थ्य की जांच की। बिसवा के शेखसरिया शुगर फैक्ट्री प्रांगण में आयोजित स्वास्थ्य शिविर में पहुंचे सहारा हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन और मार्केटिंग हेड आशीष शर्मा ने क्या कहा, आइए पहले उसे सुन लेते हैं। बिल्कुल, पहले मैं दोबारा तो मैं आशीष शर्मा, मैं सहारा हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेशन एंड मार्केटिंग देख रहा हूँ। और ये बड़ी खुशी की बात है कि लोक सेवा समिति से और शेखसरिया शुगर फैक्ट्री के तत्वावधान में हम लोग एक यहाँ पर आयोजन कर रहे हैं, निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कर रहे हैं। और ये हमारा सहारा हॉस्पिटल का हमेशा ही उद्देश्य रहा है कि गरीब से गरीब आदमी इस निःशुल्क कैंप में आए और अपना जो है उपचार कराए। और ये कैंप हम लोग हमेशा हर मंथ उसको करेंगे, जिससे कि लोगों के बीच में एक अवेयरनेस फैले, क्योंकि आजकल इतनी बीमारियां हो रही हैं। तो उन बीमारियों के लिए मैं डॉक्टर सुनील वर्मा साहब इज़ द सीनियर कंसल्टेंट, डॉक्टर सुहेल साहब इज़ द मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, कैंसर के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं। तो आप लोग यहाँ पर इसीलिए स्पेशली हम लोग लेके आए हैं, यहाँ पर चीफ डाइटिशियन आई हैं, यहाँ पर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स आए हैं, कि हम लोग टीम वर्क में यहाँ आए और यहाँ विश्ववासियों के लिए एक निःशुल्क परीक्षण कराएं। इससे निःशुल्क परीक्षण भी हो रहे हैं यहाँ पर, जाँचें भी निःशुल्क। हाँ, यहाँ पर बिल्कुल ECG की जाँच है, हृदय की जाँच है, वो हम लोग निःशुल्क कर रहे हैं। यहाँ पर BP जो है, ब्लड प्रेशर की जाँच है, शुगर की जाँच है, ये सब हम लोग निःशुल्क कर रहे हैं। सुने में आया कोई कूपन आप दे रहे हैं जो एक महीने तक वैलिड है, आगे 10% की छूट सारा हॉस्पिटल में। आपका कहना सही है, यहाँ का यहाँ पर जो भी परीक्षण कराएगा और जो नहीं भी कराएगा, ये हमने उनके लिए फैसिलिटी रखी है कि वो सहारा हॉस्पिटल जब भी आएंगे विद इन मंथ, तो हम लोग उनको 10% की छूट देंगे। वो 10% की छूट वहाँ पर जो भी दवाइयाँ हैं, या कोई वहाँ पर CT स्कैन MRI होता है, या कोई लैब परीक्षण होता है, उस पर हम लोग 10% देंगे, डिस्काउंट देंगे। धन्यवाद। शेखसरिया शुगर फैक्ट्री प्रांगण में सेवा भारती, शेखसरिया शुगर मिल और सहारा हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन सेवा भारती के प्रांत संगठन मंत्री भास्कर ने किया। संगठन मंत्री भास्कर ने कहा कि सेवा भारती स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक मिशन की तरह काम करता है। सेवा भारती बीच बीच में एक मिशन के तहत स्वास्थ्य के ऊपर काम करती है। यहाँ पर भी आपके बिस्मा में भी साप्ताहिक रूप से स्वास्थ्य कैंप लगते रहते हैं। इस बार हम लोगों ने सहारा से डॉक्टर्स और उनकी टीम बुलाई थी, तो चूंकि बड़ी टीम थी इसलिए उनको चीनी मिल के उसमें हॉस्पिटल में ही उनको किया गया है, ताकि और ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके। यहाँ पे साप्ताहिक में निःशुल्क दवाइयाँ बढ़ती हैं। सेवा भारती के बारे में कुछ बताएं। सेवा भारती का गठन इस देश की मूल समस्या जो है, यहाँ की अगर देखा जाए तो जनता जो है अधिकांश 80% जन जो है गांव में रहता है, जो स्वास्थ्य के अभाव में या तो कुपोषित हो जाते हैं बच्चे, तो देश के निर्माण में उनका बहुत उपयोग नहीं हो पाता है। इसलिए देश को स्वस्थ रखने के लिए उनका स्वस्थ रहना जरूरी है। तो सेवा भारती संघ का एक सेवा विभाग के द्वारा चलने वाला कार्यक्रम है, जो इंटरनेशनल स्तर पर काम करता है। केवल देश में ही नहीं, विदेशों में भी इसका संस्थान है, वहाँ से भी इसको प्रोजेक्ट किया जाता है, ताकि अपने देश के जो भी जन है उनका स्वास्थ्य ठीक रख सके। और केवल इसीलिए नहीं, सेवा भारती का निर्माण राष्ट्र निर्माण से भी संबंध है। इसका संस्कार केंद्र चलते हैं, विद्यालय चलते हैं, नारी सुरक्षा पे काम होता है, उनके लड़कियां किशोरियों के विकास पे काम होता है, किशोरियों के स्वावलंबन पे काम है, और अन्य इस प्रकार की प्रतिभाएं जो गांवों में रहती हैं उनको ऊपर लाकर देश के उपयोगी बनाना, ये सेवा भारती का काम है। तो सेवा भारती का गठन देश और राष्ट्र की उन्नति के लिए किया गया था, जो सतत 1978 से लगातार काम कर रहा है और आज अपने मुकाम पर है। सबके सहयोग से ये चल रहा है।
धन्यवाद। शिविर में जनरल फिजिशियन डॉक्टर सुनील वर्मा, कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मोहम्मद सुहेल, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमृता लुम्बानी, बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राशिद, चीफ डाइटिशियन आयमन एवं उनकी टीम ने मरीजों का निशुल्क स्वास्थ्य जांचा। इस मौके पर कार्यक्रम संयोजक मोहित जायसवाल, डॉक्टर अमित सक्सेना, समाज सेवी डॉक्टर लतीफ अहमद, डॉक्टर अनूप वर्मा, अमित वैश्य, अंश रस्तोगी, पप्पू सिंह, पीयूष शर्मा मौजूद रहे। सुगर मिल के चिकित्सक डॉक्टर अमित सक्सेना ने क्या कहा उसे भी सुन लीजिए। ये कैंप जो है सेवा भारती और दस अक्सरिया शुगर फैक्ट्री के सहयोग से लगा है, जो कि सहारा हॉस्पिटल के द्वारा लगाया गया है, जिसमें फिजिशियन, कैंसर स्पेशलिस्ट, बच्चों के डॉक्टर, पीडियाट्रिक्स और गायनेकोलॉजिस्ट, डाइटिशियन और बाकी इतनी पर सारी जांचें हो रही हैं। इसमें ईसीजी, शुगर की जांचें सारी निःशुल्क हो रही हैं और इसमें करीब 700-800 पेशेंट अभी तक देखे जा चुके हैं और बाकी लोगों की भीड़ भी लगी है, काफ़ी भीड़ है आज। और इसी तरह से शुगर फैक्ट्री रेगुलर कैंप करती है, मंडे का एक कैंप करती है जिसमें 2000 से 2500 तक भीड़ रहती है, एवरी मंडे रहती है, उसमें दवाइयाँ निःशुल्क रहती है। इसी तरह से हम लोग कैंप करते रहते हैं, ब्लड शुगर ब्लड डोनेशन कैंप आगामी 15-20 दिन के अंदर करने वाले हैं, तो ऐसे ही कैंप कर रहे हैं, तो जिससे कि विश्वा के नगरवासियों का सबका भला हो, लोगों को अधिक से अधिक जागरूकता मिले। मैं ये कहना चाहूँगा जितने भी पेशेंट नागरिक हैं वो लोग खुद से दवा ना करें, कभी फीवर वगैरह है तो केवल पैरासीटामोल वगैरह ले सकते हैं, लेकिन खुद से पूरा इलाज ना करें, जिससे कि आगे आप लोग करते हैं और वो केस बिगड़ जाता है, आगे डॉक्टर के लिए भी समस्याएं होती है कि उसको फिर प्रॉपर तरीके से लाइन मिलाने के लिए, क्योंकि आपने गलत दवा खा लेते हैं तो उस तरह से वो केस बिगड़ जाते हैं। इसलिए अगर क्योंकि इस समय डेंगू मलेरिया चल रहा है, इस तरह के रोग चल रहे हैं, जिससे कि आप अगर खुद से लोग दवाइयाँ लेते हैं तो वो हानिकारक भी हो सकता है, इसलिए खुद से कोई मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, मच्छरों का बचाव करें, जहाँ जल भरा हुआ है उसको साफ रखें और यही सब लोगों से विनती है कि स्वस्थ रहें। धन्यवाद। BS एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान, BA, MA, BCom, MBA व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद, बिस्वा रोड, पकरिया, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहे।